क्या ये उनकी लैंग्वेज सम्मानजनक लैंग्वेज है? वो क्या उनका कैलिबर इस काबिल है कि उनको इससे बड़े प्रदेश की कमान संभाल दे दी जाए? ये जो कांग्रेस के सी ग्रेड के नेता हैं, उन लोगों को अपने बी और ए ग्रेड के नेताओं से सीख लेनी चाहिए। मैनर्स और एटिकेट्स उनके अंदर होने चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा अखिलेश यादव जी को आगे बढ़ा के उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, अखिलेश यादव जी भी उनसे इसी तरह से करते थे। लेकिन हालात सबको मालूम है कि नेताजी ने, अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी को किस तरह से बचा के आगे लेके आगे बढ़े हैं। तो ये नेताओं का बदकलामी ये यकीनी तौर पर मौका देती है अपोजिशन को उल्टी सीधी बातें करने के लिए, मौका देती है गोदी मीडिया को सारा सारा दिन चैनल पे चलाने के लिए। मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, जो ए ग्रेड के नेता हैं और बी ग्रेड वाले भी, उनको इन लोगों की क्लास लेनी चाहिए, इनको तहजीब सिखानी चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया अगर कांग्रेस इस तरह का व्यवहार करेगी तो हम बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। देखिए, अगर इस तरीके का व्यवहार उनके छोटे नेता कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं खटास पैदा होती है। हमारे सामने बहुत बड़ा लक्ष्य है, हमारे सामने देश के कानून को बचाने का लक्ष्य है, हमारे सामने डेमोक्रेसी को बचाने का लक्ष्य है, हमारे सामने सांप्रदायिक सौहार्द को बचाने का लक्ष्य है। ये छोटी छोटी बातें जो लोग करते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमारे लक्ष्य में थोड़ा बहुत डेंट करते हैं। लेकिन मुझे पक्की उम्मीद है कि कांग्रेस के बड़े नेता कमांड संभालेंगे और ये जो लोग इनडिसिप्लिन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अखिलेश यादव जी की तरफ से बयान आया, हमारा गठबंधन इंडिया से ज़रूर है लेकिन जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी पूरे चुनाव वो पीडीए की ही रहेगी, वो चेंज हम नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा दबे कुचलों का साथ दिया है, पहले दिन से और आज तक पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मुसलमानों का साथ दिया है, उनके साथ इंसाफ करा है। हमारी वही स्ट्रेटजी है कि सबको इंसाफ मिले, सबको बराबर का हक मिले, और मैं समझता हूँ यही इंडिया गठबंधन की स्ट्रेटजी है। तभी तो सारे लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि हमें जातिगत जनगणना करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से सबके साथ इंसाफ कर पाएंगे हम। एक आखिरी सवाल, कमलनाथ जी ने भी अखिलेश पर सवाल जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा अरे यार छोड़ो अखिलेश। कमलनाथ जी के मुँह से ये भाषा शोभा नहीं देती। वो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन लगता है कि शायद वो अपने आप को सबसे बड़ा नेता समझ रहे हैं कांग्रेस का। कांग्रेस में बड़े दिग्गज नेता इस वक्त मौजूद हैं जिनको भाषा का भी संयम है और जो तहजीबों के दायरे से बाहर नहीं निकलते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।